Dear student, I am Om Kumar, Environmental Science teacher. In previous lecture, I have introduced you all about the levels of biodiversity, where I have discussed about the genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Here I am going to discuss in details about these levels of biodiversity. Hamare pyare chhatr, main aap logon ko इससे पहले वाले व्याख्यान में लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के स्तर से अवगत करवाया था. अब हम यहाँ पे उसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे. तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी अनुवांशिक जैव विविधता क्या है. अनुवांशिक जैव विविधता को जानने से पहले मुझे जानना होगा कि जीन क्या है. जीन क्या है? जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स. ये एक हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उसके संतान में ट्रांसफर होता है. तो हमारे में जो ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हैं, तो वो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली जो है सिमिलर नहीं हो सकता है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं हो सकता है. तो जीन की वजह से, जीन्स में ही वो गुण होते हैं जिसकी वजह से आपके हाइट, आपके स्किन के कलर, आपके हेयर के कलर एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक दूसरे से हाइट, कलर, हेयर के कलर, आइज के कलर मैच नहीं करते हैं, ये किन चीज की वजह से होती है? इनकी सिर्फ वजह है जीन्स. जीन्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट बी जेनेटिकली सिमिलर. पूरे विश्व में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं. यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम वेरिएशंस ऑफ जीन विद इन सेम स्पीसीज, यानी कि जो जीन का वेरिएशन सेम स्पीसीज में होता है उसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. अब इसे हम दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं, ये अनुवांशिक जैव विविधता जो है कोई दो प्लांट्स में सेम नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कॉलेज कैंपस में, कॉलेज के प्रांगण में देखेंगे तो फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. रोज में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई वाइट है, इस तरीके से है. तो इसके लिए सिर्फ जीन रिस्पॉन्सिबल है. तो जीन की क्या महत्ता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन? अनुवांशिक जैव विविधता का क्या महत्व है? जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वो प्लांट्स और एनिमल किसी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में उतना ही ससेप्टेबल होगा. और जितनी ही लो डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ही लो होगी, उसका किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइवल का चांस कम होगा. इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं. तो आप जहाँ भी हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अपने गाँव में हैं, अपने शहर में है, तो वहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, वो एक जेनेटिकली सिमिलर नहीं है. अब हम आगे चर्चा करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में. स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, जिसे हम जातीय विविधता, जैव विविधता के नाम से जानते हैं. तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज उस रीजन के स्पीसीज डाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है. इसका मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी जो हमारा कम्बिनेशन हो गया आपका प्लांट और एनिमल स्पीसीज का. इसे दूसरे शब्दों में और साधारण तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कॉलेज के कैंपस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज हैं, वो पूरा प्लांट और एनिमल का कम्बिनेशन जो है वो हमारे स्पीसीज डाइवर्सिटी को बताता है. सिमिलर तरीके से अगर आप गांव में हैं, विलेज में हैं,
तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं स्पीसीज हैं और एनिमल के स्पीसीज हैं, वो पूरा प्लांट और एनिमल स्पीसीज एक हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी को बताता है। ठीक दूसरे तरीके से जो शहर में है, जो दिल्ली में अभी है, तो दिल्ली में जितने भी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं, ये यहाँ के स्पीसीज डाइवर्सिटी को बताता है। तो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ प्लांट के स्पीसीज को काउंट करते हैं, तो काउंटिंग के माध्यम से हम उसके डाइवर्सिटी को, स्पीसीज रिचनेस कितना है उसको समझ सकते हैं। और इसको मेजर करने के, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं शेनन वीनर इंडेक्स, एक को सिम्पसन इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। अब जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा, उसे हम हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसे हम हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड और प्रजेंट इन ए पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम में जो फिश है उसमें देखे होंगे कि उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर है। वो कलर क्यों है? उस कलर की वजह है उसमें जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक मेकअप जो है वो एक दूसरे का दूसरे से डिफरेंट बनाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। इसीलिए आपके क्लासरूम में जितने भी आपके साथी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में दीक्षा है, दीपशिखा है, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सीरत है, निशा है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके हाइट, स्किन के कलर, हेयर के कलर सबके डिफरेंट हैं। तो ये सब जेनेटिक की वजह से होती है। तो ये जेनेटिक और स्पीसीज, ये एक तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए तीन स्तर पे डिवाइड करते हैं। जेनेटिक हो गया आपका अनुवांशिक, उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया जातीय विविधता। अब हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इको पारिस्थितिकीय विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या विविधता है। तो आप लोगों को मैंने इकोसिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस पहले कर चुका था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय पारितंत्र होते हैं और एक स्थलीय पारितंत्र होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा आता है ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम जानेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, तो फ्रेश वाटर। अब हम जानेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वाफोर क्या होता है? एक्वाफोर होता है वाटर, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि देर आर टू डिविजन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, वन इज कॉल्ड फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड अदर इज मेरीन वाटर इकोसिस्टम। तो अब जो फ्रेश वाटर में कुछ बायोडाइवर्सिटी होगी, प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज होंगी। अब फ्रेश वाटर में आपका हो सकता है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो इसमें जब अगर आप देखेंगे गौर से, प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब आप इसे कंपेयर करेंगे मरीन वाटर इकोसिस्टम से, यानी कि ओशियन से, एस्चुरीज से, तो इसमें जो डाइवर्सिटी है, इसमें जो वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर से थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर में है, वो गंगेटिक डॉल्फिन सेम आपको मेरीन वाटर इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा। तो मेरीन वाटर इकोसिस्टम, विद इन मेरीन वाटर इकोसिस्टम में भी कंप्लीट डाइवर्सिटी है। जैसे आपको ओशियंस की सरफेस पे पाए जाने वाले स्पीसीज अलग मिलेंगे, उसके बॉटम में कुछ डिफरेंट स्पीसीज है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा ग्रासलैंड से, फॉरेस्ट से, पॉन्ड से, रिवर से, ओशियंस में हमारा एक इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। सिमिलर तरीके से अब हम आगे चर्चा करेंगे आप लोगों को बायो ज्योग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया।
जैव भौगोलिक क्षेत्र हमारे पूरे भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, यानी कि बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, बायोजियोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे। तो इंडिया इंडिया मेगा बायोडाइवर्स कंट्री विथ ओनली 22.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, अकाउंट्स फॉर 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज, इंक्लूडिंग ओवर 45,000 प्लांट्स, 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो हमारे पास 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है, अराउंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है। इनके बारे में हम जानेंगे वो कौन कौन से स्पीसीज हैं। अब वन बाय वन हम आपको बताएंगे कि बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, वो वर्गीकरण जो है हमारा बायोजियोग्राफिकल जैव भौगोलिक क्षेत्र का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हमारा है हिमालय। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय जब से ओरिजिन हुआ है हिमालय का, तब से हिमालय में धीरे धीरे इंक्रीज उसका ग्रोथ जो है, हाइट जो है इंक्रीज हो रहा है। जब हाइट इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन में भी धीरे धीरे चेंजेज आता है। तो हिमालय को हम तीन पार्ट से समझते हैं, तीन डिवीजन है हिमालय इसका, उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय में आपका लद्दाख का पार्ट आता है, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति वैली, ये सब हमारा पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय का है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय से अलग मिलेगा, यानी कि इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीसीज हैं वो हो सकते हैं आपके सेंट्रल हिमालय में ना मिले, सेंट्रल हिमालय में जो आपको प्लांट्स ऑफ एनिमल स्पीसीज है हो सकता है आपको ईस्टर्न हिमालय में ना मिले। तो इस तरीके से विद इन हिमालय के अंदर भी ग्रेट डाइवर्सिटी है, उसे हम डिटेल्स में समझेंगे। अब हम आगे आपको बताएंगे, एक बता दिया हिमालय, दूसरा आपका है डेजर्ट, डेजर्ट में आपका थार डेजर्ट भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है। अब ये भी हमारा, इसमें भी जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है वो डिफरेंट है, उसमें काफ़ी डिसिमिलरिटी है, सिमिलरिटी नहीं है, यानी कि आपको मरुस्थल पे उगने वाले पौधे में पानी की कम आवश्यकता होती है। इसीलिए जब डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, जब डेजर्ट का निर्माण होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे प्रसिपिटेशन कम होता है और इवापोरेशन ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सॉयल में नमी जो होती है वो नहीं बरकरार रह पाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो स्पीसीज उसी टाइप के ग्रोथ करेंगे जिसे कम मात्रा में सॉयल, जिसके लिए कम मात्रा में वाटर की ज़रूरत हो, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, इस टाइप के स्पीसीज आपको मिलेंगे जनरली। उसके बाद हम जानेंगे आपको कोस्ट है, तीसरा कोस्ट हो गया, उसके बाद गंगेटिक प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स के हो गए, तो ये हमारा डेक्कन प्लेचू हो गया। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया का, और इसे विस्तृत से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन वीडियो के माध्यम से आप सभी बायोडाइवर्सिटी के को समझ चुके होंगे जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ इसे आप सुनेंगे और उसे समझेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से आप सोच के समझ के लिखेंगे। धन्यवाद।